गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज चैप्टर टू वर्ण विचार। चैप्टर टू के हमने कल लेसन पढ़ा था हमने पूरा, आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्न पहर, उपयोग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इन शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमने। डैश स्पर्श व्यंजन है, क्या है? क व ह, तो क्या है? क का स्पर्श व्यंजन है। नंबर टू, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे डैश स्वर कहते हैं। किसे? दीर्घ या ह्रस्व। कम समय किस समय लगता है? ह्रस्व स्वर में, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं उसको। नंबर थ्री है, डैश द्वित्व व्यंजन है, क्या है? छ या अन्न, क्या है? अन्न। नधना और पूरा ना क्या है? द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि इसमें दो ना की आवाज आ रही है। नंबर फोर, डैश संयुक्त व्यंजन है, श या श्रा, श्रा है ना, श्रा, श और र दो आ रहे हैं, तो ये श्रा संयुक्त व्यंजन है। नंबर फाइव, डैश ऊष्म व्यंजन है, तो ल और सा, तो कौन सा? सा, सा ऊष्म व्यंजन है। ओके, अब है ख। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसे खंड ना किए सके वर्ण कहलाती है। सही है ना ये? तो यहाँ पे राइट लगा दिया हमने। नंबर टू है, वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी सही है, तो यहाँ पर राइट। नंबर थ्री, दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये भी ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पे भी राइट लगा दिया। नंबर फोर है, जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि दीर्घ स्वर वालों वर्णों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है ना, कम समय वालों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस आ गया। ओके, अब है ग। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वनि के सबसे बड़े खंड को, ध्वनि के सबसे छोटे खंड को, या दोनों खंडों को? किसे कहते हैं? सबसे छोटे खंड को कहते हैं ना, हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। नंबर टू है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को, वर्णों के क्रमिक समूह को, या सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को? तो क्या आएगा? सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर आ गया। स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है कितनी? 11, 10, 9। कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है ना। नंबर फोर, चंद्रबिंदु को कहा जाता है, क्या कहता है? अयोगवाह, अनुस्वार या अनुनासिक, क्या कहते हैं? अनुनासिक। ओके, अब है घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। नंबर टू है, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसके भेद लिखिए। जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में रुकावट नहीं होती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं स्वर वर्ण? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। नंबर थ्री है, व्यंजन किसे कहते हैं? इसके भेद लिखिए। जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में रुकावट पड़ती है, जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में रुकावट पड़ती है और वे स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, और वे स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, ड सुमिलिखित कीजिए, मतलब मैचिंग कीजिए। क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? स, उ। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? य, अ। इस उ वाले जो होते हैं छोटे होते हैं ना, तो ये ह्रस्व स्वर, और ये य, अ वाले क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? आहा, आ और आहा वाले,
आ वाले क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं। नंबर फोर, अंतस्थ व्यंजन वाले कौन से होते हैं? व। संयुक्त व्यंजन वाले क्या होते हैं? ज्ञा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब आप इन सबको अच्छे से लर्न करेंगे, ये सारे जो जितने भी खाली शब्द हैं और सही गलत के सामने क्रॉस लगाई है, ये सब आपको ध्यान से याद करनी है। और ये क्वेश्चन आंसर भी पक्के पक्के याद करनी है, जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।